बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। तो अगर से प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए, जिसमें हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.7 को डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो के अंदर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम को वेस्ट किए और आ जाते हैं सेकेंड की तरफ। तो बेसिकली चैप्टर में 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर प्रॉब्लम है 14.8 की तरफ देखा जाए, तो इसकी प्रॉब्लम के अंदर लिखा हुआ है कि 90 मिलीमीटर लेंथ, ठीक है, ऑफ अ वायर, यानी एक वायर है जिसकी लेंथ 90 मिलीमीटर है, मूविंग विद अपवर्ड वेलोसिटी। वो अपवर्ड मूव कर रही है किस वेलोसिटी के साथ, 35 मीटर पर सेकेंड, बिटवीन द पोल ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट के दो पोल थे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के दरमियान में एक वायर मूव कर रही है, ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, 35 मीटर पर सेकेंड के थ्रू, ठीक है। और जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो 80 मिली टेस्ला है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितने जनरेट हो रही है, 80 मिली टेस्ला, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस, आप उस वायर के अंदर रेजिस्टेंस कितनी है, उस वायर के अंदर रेजिस्टेंस है 5 मिली ओम की। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, करंट को अपोज करना। जो उस वायर के अंदर रेजिस्टेंस है वो 5 मिली ओम की है। वाट आर द मैग्नीट्यूड, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फाइंड करनी है करंट की, ठीक है। तुमने फाइंड ये करना है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेंथ ऑफ वायर गिवन है, जो कितनी है 1 मिलीमीटर, ठीक है। जब कन्वर्ट करेंगे मिली कितना था, 10^3 मीटर आ गया, तो लेंथ हमारे पास आ गई है। फिर उसके बाद फर्दर मूव करें विथ अपवर्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी की बने हमारे पास, कितनी वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें मैग्नेटिक फील्ड की बने, मतलब क्या बी गिवन है 80 मिली टेस्ला, मिली मीन सॉरी टेस्ला मैंने स्मॉल लिख दिया, 80 मिली टेस्ला, मिली मीन 10^3 टेस्ला। उसके बाद रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो कि कितनी है 0.5 मिली ओम, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर देखा जाए तो हमने फाइंड ये करना है, ठीक है। तो टू फाइंड की बात करें तो हमने क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है, जैसे तो पहले चीज़ फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, और दूसरी डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको भी हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई है, तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करना है। तो पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का फार्मूला क्या होता है कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की बात करें तो उसका फार्मूला होता है कि I = E/R, ठीक है। तो हमें R तो पता है लेकिन E नहीं पता, ठीक है, ये इक्वेशन है जिसकी वजह से हम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हमें R तो पता है लेकिन E नहीं पता, तो हम E को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब B को कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, बी भी गिवन है, एल भी गिवन है और वी भी गिवन है। तो फॉर्मूला कर लेंगे कि बी एल वी वाला, बेसिकली वैल्यू पुट करने से पहले हमने यहाँ पे मिस्टेक किया, क्योंकि मेरे पास गिवन था 90 मिलीमीटर, तो मैंने यूज़ किया है 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 90, ठीक है। तो ये चीज़ की गलती थी, ये मैंने सही कर दी है, क्योंकि हमारे पास लेंथ थी 90 मिलीमीटर, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी 80, लेंथ कितनी थी
90 मिलीमीटर एंड वेलोसिटी 35। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास कितना आंसर आता है। जो 80, 90 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम टोटल क्या बनेगा, 252 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ईएमएफ को रिलेट कर लिया है। जब हम ईएमएफ को रिलेट करें तो उसके इक्वेशन में मानो पुट कर लूंगा। ठीक है, तो पुट ई इन इक्वेशन वन, जो इक्वेशन वन में पुट करूंगा तो आई इज इक्वल टू 252 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई आर, कितना था वो भी था 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ओम। ठीक है, तो ये कर दिएगा तो 252 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50.4 एम्पीयर हमारे पास आ जाएगा करंट। तो बेसिकली हमने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकाल लिया, लेकिन जो नेक्स्ट चीज़ थी एम्पलीट्यूड ऑफ करंट निकालने के मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालने के बाद हमें डायरेक्शन ऑफ करंट बतानी थी। ठीक है, तो वो बताते हैं, तो डायरेक्शन फॉर इंड्यूस करंट विल बी डिटरमाइंड बाय, तो जो हमारे पास डायरेक्शन होगी, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो बेसिकली जो हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड करेंगे हम राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड करेंगे, जो कि अब बताएगा कि जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है विच इज इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, बेसिकली डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट की डायरेक्शन है वो पेपर के इन साइड इन टू है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव, अगर यहाँ पे करंट पॉजिटिव हुआ है, अगर ये नेगेटिव होता फिर क्या होती, आउटवर्ड होती। ठीक है, तो बेसिकली जो डायरेक्शन फाइंड करते हैं वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं, जैसे इस तरह। ठीक है, तो हम इस तरह की डायरेक्शन को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो लास्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को हम पढ़े, तो उसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल, पेयर मीन दो। ठीक है, पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल, दो कॉइल है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। तो एक चीज का ख्याल रखना कि जब दो पेयर ऑफ कॉइल आ जाएंगे तो अगर इंडक्टेंस की बने तो उसका मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अगर एक पेयर होगा सॉरी अगर दो कॉइल की बन होगी तो उसको मतलब होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन है, अगर एक सिंगल कॉइल होगी उसका मतलब है कि सेल्फ इंडक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैविंग म्यूचुअल इंडक्शन, इसे मेंशन था पेयर ऑफ कॉइल है और म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू कितनी की बने 1.5 हेनरी, इफ करंट इन वन कॉइल चेंज फ्रॉम 0 to 20 एम्पेयर। अब करंट चेंज हो रहा है 0 to 20 एम्पेयर से, टाइम कितना लग रहा है उसको चेंज करने में 0.5 सेकेंड, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, हमने चेंज इन फ्लक्स को फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो अगर मैं गिवन डाटा की बात करूं तो मेरे पास देखते हैं कि क्या क्या चीज गिवन है। तो जो चीज गिवन है सबसे पहले हमारे पास गिवन है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एम, जो कितना था 1.5 हेनरी। ठीक है, उसके बाद इफ करंट इन वन कॉइल चेंज फ्रॉम 0 to 1 एम्पीयर, तो पहला करंट कितना था 0 एम्पीयर एंड द सेकंड करंट इज 20 एम्पीयर एंड द चेंज इन करंट आ जाएगा चेंज इन करंट। ठीक है, फिर ये चीज हमारे पास जो थी गिवन डेटा था, अब हमने फाइंड क्या करना है, अब फाइंड क्या करना है, हमने बेसिकली चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स को हमने बेसिकली क्या करना है, फाइंड चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये चीज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि हमने फाइंड करना है चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स करने के लिए हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन गिवन है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के रिस्पेक्ट से फॉर्मूला क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू माइनस एल चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, अब हमें
करंट, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने सेल्फ इंडक्शन का लिख दिया। तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस एम डेल आई डिवाइडेड बाई डेल टी। अब ये फॉर्मूला होता है बेसिकली हमने निकालना है चेंज इन फ्लक्स, तो फ्लक्स इसमें यूज ही नहीं होता, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम ई को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमें ये तो फॉर्मूला यूज ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम दूसरा फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमने पढ़ा था कि इज इक्वल टू माइनस एंड चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो बेसिकली हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने निकालना है चेंज इन फ्लक्स को। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर वन का नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम देता हूँ। अब देखा जाए तो ये भी ई के इक्वल है और ये भी ई के इक्वल है, तो एक साइड इसकी वैल्यू पुट कर लूंगा और एक साइड उसकी वैल्यू पुट कर लूंगा, यानी कंपेरिजन कर लूँ। ठीक है, ये आ जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो माइनस माइनस कट जाएंगे, डेल टी कट जाएगा, तो एंड नंबर ऑफ टर्न इसमें बेसिकली एक ही कोइल पे एक ही नंबर ऑफ टर्न होगी, तो नंबर ऑफ टर्न में वन पुट कर दूंगा। तो मेरे पास मैंने फाइंड करना है फ्लक्स, तो फ्लक्स इज इक्वल टू एम डेल आई डिवाइडेड बाई एन बच रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ टर्न कितनी होगी, वन, ठीक है। एन कितना होगा, वन। पुट कर लूंगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा कि चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन इनटू चेंज इन करंट, ये आ जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं चेंज इन करंट कितना आ रहा था, 20 एम्पीयर, और म्यूचुअल इंडक्शन कितना आ रहा था, 1.5, तो ये कितना आ जाएगा, 30। और अभी हमारे पास फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, ठीक है। तो बेसिकली देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो जो इसका आंसर बनता है वो कितना आता है, 30 वेबर ही आता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर हमारा सही है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.8 एंड 14.9 को डील किया। तो बेसिकली आज इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का क्वेश्चन खत्म हो गए। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि हमें समझ लगे कि आपको चीज़ समझ आ रही है कि नहीं। जैसे मतलब कि मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मेरे में कोई शॉर्ट कमिंग है, मैं तेज बोल रहा हूँ, मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ, किसी चीज़ को सही समझा रहा नहीं हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आपने कमेंट किया तो आपको हमारा नंबर शेयर कर देंगे, जिसकी मदद से आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पॉड में, तब तक अल्लाह हाफिज़।